फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को ये प्लास्टर करके नीचे से दिखाया था, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख लीजिए, ये जो नीचे से प्लास्टर करके मैं आप लोगों को दिखाया था, ऐसे नीचे नीचे वाला बेड मैं मोल्डिंग बना दिया हूँ, देख सकते हो। और ये मोल्डिंग वाला भी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स रहा इसका तो कार्निश का, तो कार्निश अभी बनाने हम जा रहे हैं, क्योंकि पहले मोल्डिंग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि मोल्डिंग बनाते हैं इसलिए कि मोल्डिंग में से जो मसाला निकलता है ना, जो बचता है मसाला, उसको हम वेस्ट नहीं करते, फेंकते नहीं है। उस मसाले को छाप देते हैं साइड साइड में, देख सकते हो उधर उधर मसाला छापे गए हैं, ठीक है। अब इस पर हम कार्निश बनाते हैं और कार्निश बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को आप पूरा देखना, तभी आपको पता चलेगा हम कार्निश किस तरीके से बनाते हैं, किस तरह से खींचते हैं, तभी आप लोगों को भी पता चलेगा कि सुमित भाई किस तरीके से अपना कार्निश जो बनाते हैं। चलिए अब वीडियो को पूरा देखते रहिएगा।
तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो गार्निश जो है मेरा तैयार हो गया है। बस फ्रेंड्स, इसमें मसाला थोड़ा पतला पतला करके मतलब सफाई कर देना है, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था कि पानी को गीला करने से क्या होगा, ताकि आपका जो छत है बिल्कुल जल्दी सूखेगा नहीं, और जब नहीं सूखेगा तो आपका जो गार्निश है बड़ी आसानी से मतलब बन जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब आप गार्निश बना सकते हो, जैसे नीचे चपटी मार सकते हो और ऊपर भी चपटी मारने की उतनी ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन आप चाहे तो ऊपर भी मार सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग देख सकते हो मैं नीचे ही चपटी लगाया हूँ, कसम से बोलता हूँ फ्रेंड्स, मैं ऊपर चपटी नहीं लगाया हूँ, ठीक है। मैं ऊपर चपटी नहीं लगाया हूँ और कहीं भी नहीं लगाते, सिर्फ नीचे ही चपटी हम लगाते हैं। और आप देख सकते हो कि गार्निश जो है कितना मेरा सीधा हुआ है, आप देख लो, ये देख लो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये भी बात है, आप लोगों को पता है आपका वीडियो अभी अभी जो देखते हुए फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को 5 मिनट 6 मिनट हो गया है, ठीक है। 6 मिनट फ्रेंड्स, और 6 मिनट में मैं गार्निश बना भी दिया हूँ, और 6 मिनट में मेरा मसाला जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है, आप देख सकते हो मेरे कढ़ाई बीच, ठीक है। तो मतलब मसाला 5-6 मिनट मतलब हो गया है, और इसके पहले मेरा तो 2 मिनट हो गया, मैं तो काम करके मतलब उतरे हुए उस पर, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट मसाला का मतलब होता है मतलब सेटिंग, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और साथ में सुमित भाई के चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये जो नीचे वाला हम प्लास्टर किए थे इसका वीडियो देखना होगा तो आप आई बटन चेक कर सकते हो, ऊपर होता है यहाँ पे कोना होता है आई बटन, इधर कोना में होता है, ठीक है। और नहीं तो आप क्या करना, मेरे इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएगा इस प्लास्टर वाले और ये मोल्डिंग का वीडियो। चलिए आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं।